किसी भी काम करने के दो तरीके होते हैं, एक हार्ड वे ऑफ डूइंग और एक सॉफ्ट वे ऑफ डूइंग। तो मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं, टैरिफ हाइक किया गया अक्टूबर के अंदर जियो की तरफ से और बोला गया कि 6 पैसे प्रति मिनट आपको नॉन जियो नंबर पर कॉल करते हैं तो देना पड़ेगा। उसके बाद दिसंबर में एयरटेल वोडाफोन की तरफ से कॉल को रेट को बढ़ाया जाता है और जियो की तरफ से भली भांति उसको प्रयोग में लेके आया जाता है, उनके द्वारा भी अपने रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। ये तो बात होगी कॉल रेट्स को बढ़ाने का, लेकिन इसका अनाउंसमेंट पब्लिक डोमेन में किया जाता है कि हमने अपने रेट्स को बढ़ा दिया है और हमने जो भी रेट पहले थे उससे इस तरीके से बढ़ाया है और ये परसेंटेज बढ़ा हुआ है रेट का और बाकी चीजें इन्फॉर्मेशन दी गई मार्केट के अंदर। इससे ये हुआ कि आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, ये हार्ड वे ऑफ सेइंग समथिंग होता है। अब सॉफ्ट वे क्या है, आज की तारीख में आपको मालूम होगा कि जियो की तरफ से 2 प्लान्स हटा दिए गए हैं और हटाने का मतलब यह है कि उनकी जो वैलिडिटी थी उनको खत्म कर दिया गया है। सबसे पहला जो प्लान आता है वो आता है 365 दिनों का, जिसके अंदर 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता था और वो प्लान काफी ज्यादा जियो की तरफ से मतलब प्रचार किया गया, एडवर्टाइज किया गया और 2020 रुपए में उसको पहले दिया गया। उसके पहले उनके रेट कुछ अलग थे, 2199 रुपए थे 365 दिनों के लिए, लेकिन जैसे ही 2020 के ऑफर को खत्म किया गया है तो सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है, 2121 रुपए अगर आप पे करते हैं, रिचार्ज कराते हैं अपने नंबर के, तो आपकी जो वैलिडिटी है 365 से घटा के 336 दिन कर दी गई, मतलब कि 29 दिन का सीधा घाटा आप लोगों को, 1 महीने का रिचार्ज एक्स्ट्रा आपको कराना पड़ेगा, 550 रुपए फिर से आपको देने पड़ेंगे। मतलब ये कि जो प्लान आपको मिल रहा था सिंपल 2100 रुपए में या 2020 रुपए में, वो प्लान आपको हो गया आप 2600 रुपए का, तो आपका आप रेट यहां पे बढ़ गया है 500 रुपए एक साल के लिए देखा जाए तो, ठीक है। और इसको कहा जाएगा सॉफ्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ्स। इसमें आपको मालूम चला नहीं, अनाउंसमेंट हुआ नहीं, लेकिन रेट बढ़ गए, ठीक है। ये है 1.5 GB प्लान के लिए। यहां पे लग रहा था बात खत्म हो जाएगी, जियो के ऊपर प्रेशर आएगा, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ गए, बहुत सारी बातें होने लगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर आई जो कि अफोर्डेबल प्लान से थी और जियो इसके अंदर भी बहुत भली भांति चेंजेस करते जा रहा, धीरे धीरे 329 वाला प्लान भी हटा के आदर्श में ले गया है, हो सकता है कि बंद कर दे आने में टाइम के अंदर, लेकिन इसकी कंफर्मेटरी नहीं है कि बंद करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको आदर्श में डाला गया है। अब अफोर्डेबल प्लान में दूसरा एक प्लान था जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा रिचार्ज किया जाता था, 1299 रुपए का, अगर जिनको खाली कॉलिंग करना है वो सिर्फ 1299 का रिचार्ज करा देते थे, आराम से कॉलिंग 365 दिन तक करते रहते थे, लेकिन उसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। वहां पर भी अब आपको 1 महीने के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा, तो उस प्लान के अंदर आपको 2 GB डाटा पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, मतलब बेसिकली वो कॉलिंग के लिए आपको प्लान दिया जा रहा है। तो बात ये समझने वाली है कि रेट्स को बढ़ाया जा रहा है लेकिन बताया नहीं जा रहा है। ट्राई के द्वारा हमेशा से कोशिश की जाती है कि लोगों को आप रेट्स को जब बढ़ाते हैं तो इन्फॉर्म किया कीजिए, जिन प्लान के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है उनको पब्लिक डोमेन में लाया कीजिए। आप सीधा से अपने वेबसाइट को बढ़ा देते हैं, जब रिचार्ज करने जाते हैं तो लगता है कि रेट बढ़ा हुआ है, उसको आप एडवर्टाइज कराइए। अभी फ्लोर प्राइसिंग की बात चल रही है, उसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ट्राई ने कहा था, जिसके पीछे जियो के साथ साथ एयरटेल वोडाफोन सब ने नकार दिया कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर सकते, इतने ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने टैरिफ हाइक्स में एक साथ एक सुर में बात कही है। तो सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को अब तैयार रहना चाहिए कि जो अमाउंट पहले हम लोग पे कर रहे थे उससे अब ज्यादा हम लोगों को पे करना पड़ेगा, और ये तरीका इनके द्वारा अपना लिया गया है और धीरे धीरे आने वाले 6 महीने के अंदर आप लोगों के सबके रेट्स बढ़ जाएंगे। अब इस तरीके की बात मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें और इसके बारे में खबर आगे तक पहुंचाएं। मतलब ये कि अगर कंप्लेन करना है या कोई बात करनी है तो ये काम कर सकते हैं आप, कि आपको रेट्स को लगातार बढ़ाया जा रहा है, कोई भी इसके ऊपर कैप नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, जब मर्जी बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। कम किया गया था एक बात मानी जाती है, लेकिन अचानक से इतनी जल्दी जल्दी बढ़ाना ये भी तो सही चीज़ नहीं है। अभी 6 महीने में 2 बार ही रेट बढ़ गए हैं, फिर से रेट बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपको मेरा मकसद था इन्फॉर्म करना, 1299 के प्लान में कुछ नया नहीं है, वैलिडिटी को कम कर दिया गया है आपको 28-29 दिन से, और आपको 336 दिन की वैलिडिटी, 2 GB पर मंथ के हिसाब से डाटा 24 मंथ के लिए, और इसके अंदर कॉलिंग के लिए भी आपको 12,000 मिनट्स मिलेंगे नॉन जियो नंबर के ऊपर। तो ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर कर दिया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि आने में टाइम के अंदर कोई वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।